हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इरम एंड जैन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो स्माइली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैंने इसे बस 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था और आप देख सकते हैं ये कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें, आपकी भी स्माइलीज, पोटैटो स्माइलीज ऐसे ही क्रंची बनकर रेडी होगी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स या फिर उसे शाम के नाश्ते में भी बना करके दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 6 बड़े साइज़ का आलू उबला हुआ, जिसका वेट 600 ग्राम है। मैंने इस तरीके से इसका छिलका उतार लिया है बॉयल होने के बाद। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 पीसेस ब्रेड स्लाइस, कॉर्नफ्लावर 6 टेबल स्पून, नमक मैंने यहाँ पे 1/2 टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्रेटर को रख करके इसे हमें आलू को हमें ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकस कर लेना है। इस तरीके से हमें सारे आलू को कद्दूकस कर लेने हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। तो चलिए अब हम लोग ब्रेड स्लाइस को भी ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है, फिर हम इसमें डाल देंगे तोड़ के ब्रेड स्लाइस को और फिर हम इसे कवर कर देंगे। और कवर करके हमें इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर रेडी कर लेना है ब्रेड क्रम्स की तरह से। और ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुका है। तो इसकी जगह पे आप रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको डाल देंगे कद्दूकस किए हुए आलू में, फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने यहाँ पे 1/2 टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल इसका हमें डो रेडी कर लेना है। और हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू में कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा आलू का डो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसे एक बॉल में रख के इसे कवर कर देते हैं और कवर करके हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि आलू अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा कड़ा हो जाए, जिससे हमें स्माइली बनाने में आसानी हो। और इसे हमें रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं फ्रीज़र में। तो चलिए अब हम लोग इसे स्माइली का शेप दे देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर हाथ पर तेल लगा लिया है और इसके हम लोग दो पार्ट्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसका एक पोर्शन लेके हमें इस तरीके से फैलाते हुए इसे चपाती का शेप देना है। अगर हाथ से नहीं फैला पा रहे हैं आप तो फिर हम लोग इसे रोलिंग पिन से रोल आउट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे चपाती का शेप दे देना है और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा मोटा ही रहने देना है। और फिर हम लोग इसे कट कर लेंगे स्माइली के शेप में। उसके लिए मैंने यहाँ पे ढक्कन का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें कट कर लेने के बाद इसके आँख और मुंह को बना लेने हैं और इसके बचे हुए जो मिक्सचर हैं आलू के उसका हमें फिर से इसी तरीके से स्माइली रेडी कर लेना है। और इसके आँख को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास और दूसरा कुछ अवेलेबल है तो आप उससे भी इसका आँख रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसका आँख बना लिया है। फिर हम लोग एक चम्मच को ले लेंगे, चम्मच से हमें इस तरीके से इसका स्माइली फेस रेडी कर लेना है इस तरीके से।
और इसी प्रोसेस से हमें सारे स्माइलीज रेडी कर लेने हैं। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट में हल्का आटा को डस्ट कर दिया है, उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से इसे रख देंगे ताकि प्लेट में स्माइली हमारा चिपके नहीं। और इसी प्रोसेस से हमें सारे स्माइलीज को रेडी कर लेने हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे सारे स्माइलीज बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे हम लोग इसे फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये स्माइलीज अच्छे से सेट हो जाए। और हमें इसे रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, तो इस टाइम पे आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए स्माइलीज को सारे एयर टाइट कंटेनर में रख के। चलिए अब हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल को गर्म होने रख दिया है, उसमें एक एक करके हमें सारे स्माइलीज फेसेस को इसमें डाल देने हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। देखिए एक साइड से हमारा स्माइली रेडी हो चुका है, तो इसको हम लोग फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि हमारा स्माइली अच्छे से फ्राई हो जाए और बिल्कुल क्रंची हो और ये अंदर तक भी पक जाए। और ये आप देख सकते हैं हमारा स्माइली रेडी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं और इसे हम लोग फिर डिश आउट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस से हमें बाकी बचे हुए सारे स्माइलीज को फ्राई कर लेने हैं। और ये हमारा रेडी हो चुका है पोटैटो स्माइली। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।